इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बुलनोज रंदे और पतामी रंदे का प्रयोग कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बुलनोज रंदा और पतामी रंदे का प्रयोग कैसे किया जाता है। संयुक्त बुलनोज और पतामी रंदे में दो रंदे होते हैं जिसमें ऐसे ब्लेड होते हैं जो लकड़ी के आखिरी किनारों तक लकड़ी छिलते हैं। रिबेट या रैबिट रंदा हाथ का रंदा है जिसे सीढ़ी नुमा खाचों को काटने के लिए बनाया गया है, जैसे पताम, जीप और छोटे तेनन। बुलनोज रंदा पतामी रंदे के समान होता है, लेकिन इसमें आगे एक छोटा हिस्सा होता है जो कोने या रोक तक रंदा करता है। जिन उपकरणों की आपको आवश्यकता होगी वे है पेंसिल, मार्किंग गेज, संयुक्त बुलनोज और पतामी रंदा, चौरसी, मैलेट, शिकंजा और फुटा। जिन मटेरियल की आपको आवश्यकता होगी वे हैं और कुछ बेकार लकड़ियां। इस साधारण संयुक्त रंदे में पीछे की ओर पतामी रंदा और आगे की ओर बुलनोज रंदा होता है। पतामी रंदे में ब्लेड एक लिवर कैप द्वारा पकड़ा जाता है जिसे छोटे पेच की सहायता से नियमित किया जाता है। ब्लेड और लिवर कैप एक साधारण चपटे सिर वाले पेच की सहायता से अपनी जगह पर रहते हैं। ब्लेड में पीछे की ओर कुछ खांचे होते हैं जो गहराई नियमित करने वाले लिवर के सिरे पर दांते वाले मैकेनिज्म के साथ मिलते हैं। ब्लेड की गहराई को नियमित करने के लिए लिवर को ऊपर खींचा या नीचे धक्का दिया जा सकता है। पताम की चौड़ाई को सेट करने के लिए एडजस्टेबल फेंस को रंदे के किसी भी साइड जोड़ा जा सकता है। रेशों के विपरीत रंदा करने के लिए साइड पर लगे तीन कांटों का प्रयोग किया जा सकता है जो कटर के सामने लकड़ी के रेशों को काटते हैं ताकि पताम को एक साफ फिनिश मिल सके। एक निश्चित गहराई से अधिक काटने से रोकने के लिए रिमूवेबल डेथ गेज रंदे को लॉक करता है। ब्लेड रंदे की बॉडी से थोड़ा अधिक चौड़ा होता है ताकि यह कोने के आखिर तक काट सके। रंदे के पीछे अपने प्रमुख हाथ से हैंडल पकड़े और स्थिरता के लिए नीचे की ओर हल्का दबाव डालते हुए दूसरे हाथ का प्रयोग करें। उल्टी दिशा में रंदा करने के लिए अपने हाथों के कार्यों को आपस में बदले। आमतौर पर रंदे की साइड को पताम की दीवार के पास बड़ी सतह के साथ रखना अधिक सही रहता है। पताम बनाने के लिए पहले उस जीरी की चौड़ाई का निशान लगाने के लिए मार्किंग गेज का प्रयोग करें जिस पर रंदा करना है। पेंसिल की सहायता से निशान गहरा करें। रंदे को थोड़ा तिरछा करें और सहारा देने के लिए रंदे के कोने को निशान पर रखें। वी आकार के अंदर ब्लेड के कोने को रखते हुए वांछित गहराई तक जाने के लिए रंदे को सीधा पकड़ते हुए काम करना आरंभ करें। रंदे पर बुलनोज का प्रयोग करते समय बंद पताम के सिरे तक काम करते हुए इसे प्रकार से दोहराएं। सिरे को साफ करने के लिए चौरसी का प्रयोग करें। बुलनोज रंदे में ब्लेड को नियमित करने के लिए आप छोटे पेच का प्रयोग कर सकते हैं और ब्लेड के ऊपर हल्के से चोट कर सकते हैं जब तक यह सही से छिलने न लगे। किसी भी पतामी रंदे को ठीक करने का उपाय है ब्लेड को तले और रंदे के उस साइड के साथ एक सीध में मिलाना जो संदर्भ साइड के साथ संपर्क में रहती है। यह करने के लिए ब्लेड को ढीला करें और रंदे की साइड को एक चपटी सतह पर रखें। ब्लेड पर दबाव डालें और उसकी जगह पर इसे कसें। अब आपने बुलनोज और पतामी रंदे का प्रयोग करना सीख लिया है।